मेरा नाम गणेश जिरौन, मैं केरल से, केरल में एक छोटा सा गांव पोत्रा, मैं उधर का रहने वाला। मैं मच्छी पकड़ता, मछुआरा है मैं, आप जिसको बोलता है ना वो फिशरमैन, फिशरमैन है मैं। मेरा तीन लड़का, मेरा सबसे बड़ा लड़का मेरा संग मच्छी पकड़ता, बाकी दोनों जॉब करता। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, इसलिए मैं अपने लड़का लोगों को पढ़ा नहीं पाया। मेरा सबसे बड़ा लड़का जिनेश, मेरा सबसे बड़ा ताकत वो टेंथ किया, पर उसके बाद वो देखा गया मेरे पास पैसा नहीं पढ़ाने को, तो वो गल्फ गया। बाकी दोनों भाई छोटा ना, तो वो गल्फ गया पैसा कमाने को। उधर वो कुछ दिन रहा, पर उसका वहां मन नहीं लगा। फिर वो मेरे संग यहां क्या माची पकड़ता। बहुत अच्छा लड़का मेरा जिनेश, 24 साल का वो, लेकिन उसका दिमाग मेरे से भी ज्यादा। पूरे फैमिली का वही संभाला, दोनों भैया का वही पढ़ाया। जब मेरा दिनेश छोटा ना, उसको क्रिकेट का बहुत शौक, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता। जब वो क्रिकेट खेलता सचिन के जैसे सिक्सर मारता। एक मिनट, दस साल का वो, जब उसका यह मिला मैन ऑफ द मैच, बहुत अच्छा खेलता मेरा जिनेश। अच्छा, मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता। ये मेरा बेटा है, ये एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। वहां भीड़ जमा था, लोग इकट्ठा था, लोग वीडियो बना रहा था, लेकिन किसी ने भी ना तो एम्बुलेंस को कॉल किया और ना उसका मदद करने का सोचा। वो पड़ा रहा और उसका डेथ हो गया। अगर वहां कोई एक इंसान एक कॉल एम्बुलेंस को लगा देता तो आज मेरा बेटा आज मेरे साथ होता इस कलश में नहीं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता कि ऐसे रोड एक्सीडेंट्स में भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस इंसान का मदद करना चाहिए। आज को ये मेरा बेटा जिनेश, कल को ये आपका दोस्त, आपके घर का सदस्य भी हो सकता। ऐसे में कृपया करके उस इंसान का मदद करें, भागे नहीं। इंडिया में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। अगर हम उनकी मदद कर सकें तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।